standing here, there, when they're here. Coming in the frame? Thank you.
amazing to be here. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. It's my first time. I'm also at the same time nervous. I don't know how this goes, but I'm really looking forward to the event tonight. And yeah, I'm just planning on just having fun, probably get this experience and have a good time. I'm wearing Ranbir Mukherjee, and the jewelry is Minerali. I think it's pretty chic. I think it's pretty easy. And that's how I like to be, because I feel like an outfit should represent your personality to some level, and this really is me. I love the color. I think it's nice and bright. I didn't want to go very typical, so I'm just going easy. That's the kind of person I am, so I'm just sticking to that. Ji. नेक्स्ट टाइम रियली धमाका करने की ही प्लानिंग है. एंड ऑफ कोर्स लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है. इस वजह से आई रियली एम होपिंग टू वर्क विद सम ग्रेट फिल्म मेकर्स. आई एम वांटिंग टू यू नो लुक एट सम रियली इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स एंड जस्ट गो फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड आई थिंक आई विल जस्ट कीप गोइंग एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस. ऑफकोर्स आई थिंक वैक्सीनेशंस बहुत अच्छे से चल रही है. आई थिंक वी आर ऑल टेकिंग प्रिकॉशंस. आई थिंक सब सेफ है, हेल्थी है. और आई थिंक हम इस अगर स्टेज पे पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन. आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन. बट एट द सेम टाइम अगर आपको सेफ रहना है तो प्लीज़ मास्क पहने रखें, भले ये रूल हो या ना हो. Thank you so much. Thank नहीं नहीं, रमनिक पहले ही ख़त्म कर दिया था ना, उसने अपना ट्रैक पहले ख़त्म कर दिया था ना, तो उससे तो नहीं मिला तो भी बेटर है. थैंक यू ब्रो. अच्छा लग रहा है ना. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. इट्स नथिंग. मेरे को गॉथ थोड़ा सा पसंद है, तो उसका टेस्ट है विद फॉर्मल, बिकॉज इवेंट थोड़ा फॉर्मल है. तो या दैट्स वॉट. एंड या मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, सो मैं एक्साइटेड हूँ. या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जो भी मिलेगा मैं अभी तो नहीं बता सकूंगा, बट डेफिनेटली समथिंग कमिंग सून. ये कौन सा मंथ? हाँ, शुरू हो गया ना, नेक्स्ट मंथ. हाँ, समथिंग विल कम. नहीं 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 नहीं, कुछ और छोटा फॉर्मेट. हाँ, ओके. अच्छा, ये मैंने नहीं सुना न्यूज़. अरे वेरी नाइस है. आप सेफ्टी के लिए लगा लो, बेटर है. नहीं लगाना है तो दैट्स कम्प्लीटली. आई थिंक इट्स फॉर दोज स्पेसिफिकली जो लोग रोज़ काम करते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एक जगह पे जो मैंडेटरी हो जाता है ना, जैसे शॉप में रहते हैं या इतनी गर्मी में, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो आई थिंक इट्स अ रिलीफ फॉर दोज. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ओवरऑल कोविड फ्री हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा छूट मिल रही है हम लोग को, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड या थैंक यू ब्रदर, नाइस मीटिंग.
rather excited. I think this is my first ever award ceremony and I'm very, very thrilled to be here. अभी तो मैं बहुत नई हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ काम करूँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत अच्छी दिल से चीज़ें बना रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करूँ. बट फिलहाल ये फोकस है तो जो भी आएगा वो आएगा. थैंक यू. या आई मीन दिस इज़ फ्रॉम मेशकी विच इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड एंड आई एम वेयरिंग लुई वुइटन शूज एंड या आई एम वेरी हैप्पी विद माई आउटफिट एंड आई होप इट्स अ ग्रेट इवेंट. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. हैव अ गुड नाइट. Very excited. I think this is my first award show after the pandemic, after COVID. So very excited, looking forward. Ji, bilkul. Abhi, I'm currently shooting for a film. The minute it's announced, I'll be talking about it. So I'm very overwhelmed with the response that Ish Nahi Karte is getting. Yes, we wanted to keep it very minimalistic yet a little powerful, so we chose red color and very chic in terms of the silhouette that I'm wearing, and yeah, keeping it young and fresh. Thank you. Thank you. Well, it's the Grazia Millennial Awards, which is very exciting. Aur bahut sare interesting categories hain. Everything from, of course, amazing actors, digital influencer, even philanthropy. And I'm so excited to be hosting. It's the first time I'm hosting this awards.
So really looking forward to it. It's going to be an amazing evening and amazing turnout. Thank you. I am styled by the amazing Mohit Rai in Gabby Sharboshi. Very nice. Trying to be cool, glamorous. Me, yeah. Thank you. Bye. Who's asking what? Kritika. Who's asking what? Hi. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और सोफी होस्ट कर रहे हैं आज एंड विद सच अ स्टार स्टार्टेड लाइनअप बहुत मजा आने वाला है हमने काफ़ी अच्छे फनी स्क्रिप्ट लिखी हुई है एंड बहुत मजा आएगा सॉरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यार रणवीर सिंह के लिए आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी हियर टुडे तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज ही इज समबडी जो स्टेज पे आके आग लगा देते तो ऐसे लोग के साथ करने में मजा आता है सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम I'm excited because I just feel COVID endemic ho raha hai. So ye award functions and aisa socialize karne mein, bahar aane mein, it's exciting to dress up. That's why main aaj itni OTT ho gayi hoon ki do saal se dress up nahi hua hai. But just kidding, I'm excited and I'm really looking forward to the awards. ये विपुल शाह का आउटफिट है विपुल शाह बैग्स एंड आई थिंक वो इंडिया के हमारे वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी कूल और क्वर्की डिज़ाइनर्स हैं एंड मुझे उनके बैग्स बहुत पसंद है बट आई थिंक अब उनके आउटफिट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट्स समथिंग टू बी एक्सप्लोर सो आई एम वेयरिंग हिम टुडे थैंक यू Of course, the excitement is very high, and we are attending this after like 2 years after pandemic. So I'm very excited, I'm thrilled, and I'm happy to be here. Hi, Ban. Yes. Yeah. So we specially curated this look. We designed this look. My look designer. We really sat down and we decided what we're going to wear. Something which not everybody is doing, something international, something chic. So yeah, it's different from my other looks. Yeah, I'm happy because kya hota hai ki apart from COVID, we had learned to live with mask though, but freedom, nothing like freedom. And of course, garmi aa rahi hai so. But yeah, at the same time, I just wish that we all are safe. And it doesn't come back, it doesn't bounce back. Thank you. Thank you.
Hi, good evening. Yeah, man. Super happy, super glad to be the part of this event. This is my second time in Razzie Awards, and I've been waiting since years that, you know, one of us from the TV industry will get nominated in these awards, and I'm still waiting. But super happy and super glad that I'm representing the TV industry on this red carpet. Thank you. I'm known for this, I believe now. Yeah, this is styled by one of my friend Shivani, and I'm wearing Bharat Reshma. The suit is by Bharat Reshma. Always, yeah. Whatever I do, I think I always want to look stylish, and I always want to do everything in style. Just meeting old friends. So let's just came. Looking forward to it. Good, yeah, we are coming out of it, so we should celebrate that, and we are celebrating Gudi Padwa. Yeah, thank you guys, thank you. थैंक यू जी. आई थिंक बहुत ही ग्राजिया के हमेशा बहुत ही स्टाइलिश अवार्ड्स होते हैं, एंड सब जैसे आपने कहा बहुत अच्छी तरह सज सज के आते हैं. एक्साइटिंग नाइट है. आई थिंक कुछ लोग हैं जिनको अवार्ड मिल रहे हैं जो मैं जानता हूँ, तो इसलिए हम आए हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए. जी, ब्लैक अच्छा लगता है मुझे. लगता है ब्लैक में थोड़े से हम पतले भी लगते हैं और फिट लगते हैं, तो इसलिए मैं ब्लैक काफ़ी ज़्यादा पहनता हूँ. आपका क्या ख्याल है ना? जी जी, बहुत खुशी हो रही है यार. देखो, हम सब जो हैं 2 साल से जूझ रहे हैं कोविड से, तो अब मास्क सबने बहुत इकट्ठा कर लिए, तो थोड़ा सा वो पैक करके रख देना चाहिए. होपफुली कोई और वेव ना आए, लेकिन आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है यार कि अब हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं. 2 साल से हम लोग कोविड के साथ मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र घिस घिस के हाथ बिल्कुल ही छिल गए हैं, तो आई थिंक बहुत खुशी की बात है ये. जी जी, नई कश्मीर फाइल तो नहीं देखी है मैंने. एक्चुअली मैं जो भी नई फिल्में आई हैं उनमें से सिर्फ गंगूबाई देख पाया हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं इंडिया से बाहर था. लेकिन बहुत खुशी है कि 100% ऑक्यूपेंसी आ गई है, सारे ऑडियंसेस वापस आ रहे हैं. आई थिंक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है. यू नो, ये 3-4 फिल्में हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, फिल्में आ रही हैं. आई थिंक फाइनली बैक टू नॉर्मल. थैंक यू. Again? That's quite a coincidence.
हेलो जी मोस्ट लव्ड मिलेनियल का अवार्ड मिला है हालांकि मैं जेन जी करके कुछ तो हूँ लेकिन एटलीस्ट मोस्ट लव्ड हूँ राजिया के हिसाब से तो मैं बहुत खुश हूँ करती है क्या आप करते हैं हाँ तो बस अभी हो गए दो सवाल चलो मैं नहीं मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत मतलब खुद को बहुत लकी समझती हूँ और मुझे ऑफ कोर्स सब लोगों की तरह बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे प्यार दिखाते हैं और सब लोग they've been so nice and welcoming so I'm very happy नहीं जी मैंने नहीं देखा सॉरी कटोरी आर्यन हाँ गुड टू सी यू टू थैंक यू सो मच यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी खुश हूँ कि वापस से अवार्ड सीजन आया है और जिस तरीके से हम लोग सब लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं और इवेंट्स कर रहे हैं और पूरा एक जो इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह एक साथ आती है अवार्ड्स में इवेंट्स में तो बहुत खुशी होती है ये सब करके एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट राइट नाउ हाँ जी मतलब ये मेरे स्टाइलिस्ट ने मेरे को स्टाइल किया है विंग्लोरियस काजिम और प्रियंका ने और हमेशा वो लोग बहुत ऑन पॉइंट रहते हैं सो आई एम ग्लैड दैट आई हैव अ टीम विच इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ माई स्टाइल बीट मिलन विक्की माई हेयर स्टाइलिस्ट माई मेकअप पर्सन सो आई एम जस्ट ग्लैड विद द काइंड ऑफ टीम दैट आई हैव जी बहुत अच्छी बात है क्योंकि नंबर्स बहुत डाउन हो चुके हैं एंड तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा डिसीजन भी है बट जितने लोग सेफ भी हो पाएँ जितनी जगह पे आप मास्क पहन भी सकते हैं वो भी पहनना ज़रूरी भी है क्योंकि फिर से हम नहीं चाहते कि वापस से ये चीज़ बढ़े भी बट थैंकफुली नंबर्स इतने डाउन हो चुके हैं हर जगह पे कि एटलीस्ट ये मास्क फ्री टाइम आ गया फाइनली थैंक यू Yeah.
अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ऑन ग्राउंड इवेंट्स हो रहे हैं, फाइनली लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं. खैर हम लोग तो शूट पे एक दूसरे को मिल ही रहे हैं, बट इट्स नाइस टू सी पीपल एट इवेंट्स बिकॉज ये काफ़ी सालों से हम लोगों ने मिस किया है. सो आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. ऑरेंज नहीं, हम लोग कुछ नया करना चाहते थे एंड बिकॉज ऑन ग्राउंड इवेंट्स अब फाइनली शुरू हो गए हैं, सो हम लोग बहुत ही उत्तेजित थे कि हम कुछ नया करेंगे, तो फाइनली हो रहा है. आई एम एक्साइटेड टू. रिप्लाई भी नहीं करती मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है. प्रोड्यूसर्स ने मुझे अभी फिलहाल मना किया अनाउंस करने से, बट या अनाउंसमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नई नई चीज़ कर रही हूँ मैं, बहुत जल्द जानेंगे. मुझे लगता है फिर भी मुझे आज ही मेरे एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, जतिन सप्रू जो IPL के एंकर हैं, उन्होंने कहा है उनको माइल्ड कोविड हुआ है, सो ही ओनली कॉल्ड मी, उन्होंने कहा ये गया नहीं है, ये अभी भी है. तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें हमारा मास्क पहनना चाहिए, स्पेशली अगर आप क्राउडेड प्लेसेस जाते हैं तो डेफिनेटली. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हेलो, थैंक यू. मैं जब मैगजीन्स स्पेशली बिकॉज आई हैव बीन मॉडल फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, व्हेन आई गेट कॉल्ड बाय मैगजीन्स फॉर इवेंट्स आई एम वेरी नर्वस, कि मुझे लगता है कि आई होप आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग इनटू देयर ब्यूटीफुल फैशनेबल इवेंट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन हु इज गोइंग टू बी हियर. थोड़ा बहुत एफर्ट तो आई थिंक मारना चाहिए अगर आप तैयार हो पिंक कार्पेट के लिए, पिंक कार्पेट के लिए. सो थोड़ा बहुत एफर्ट, आई थिंक इट्स नाइस टू मेक दैट व्हेन यू हैव, व्हेन यू आर गेटिंग रेडी. आई थिंक मैं वॉट एवर मेरे को जो खुश रखे मैं वो करना पसंद करती हूँ. अगर मेरे को आज स्टाइलिश रह के खुशी मिल रही है सो आई वुड वॉन्ट टू बी स्टाइलिश, नहीं तो मेरे को ऐसे ही नॉर्मल बिना कुछ एफर्ट करे खुशी मिल रही है तो आई विल बी दैट. हाँ जी, अभी आने वाली है, मैं उसके लिए ही बहुत एक्साइटेड हूँ. वो कुछ आपको बहुत ही जल्द डेट पता चलेगी उसकी रिलीज़ की. उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब वो काफ़ी बड़ी फिल्म है मेरे लिए. अरे हाँ, मुबारक हो. कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है, मुबारक हो सबको. हाँ भाई, फाइनली नॉर्मल देखने को मिलेगा. हाँ तभी तो मैंने बधाई दो के बाद कोई पिक्चर नहीं देखी है क्योंकि मैं बाहर शूट कर रही थी. अब मैं वापस आई हूँ तो अब लाइन से मैं सारी पिक्चरें देखूंगी. ऑर्डर से बधाई दो देख ली थी, उसके बाद मैंने गंगूबाई नहीं देखी है, कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है, बच्चन पांडे नहीं देखी है, तो ये सारी मैं लाइन से देखूंगी. और अभी आई थिंक अटैक भी आ रही है, RRR वो देखनी है. थैंक यू. Thank you.
हेलो एक्साइटेड हूँ। पिछले साल ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला था और इस साल देखते हैं क्या होता है, बट बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है, यहाँ पे आने का मौका मिलता है, तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है मनीष सर के साथ वॉक करके, थोड़ा फैशन सेंस बेटर हो गया मेरा, लाइक योर फैशन। अच्छा कौन सी फिल्म की अनाउंसमेंट होने वाली है? ये मुझे ही नहीं पता है मैंने कौन सी साइन। शूटिंग तो खत्म हो गई है, अभी नेक्स्ट फिल्म आएगी फोन बूथ, अगले आई थिंक एक महीने में उसका ट्रेलर अनाउंस होगा, फिर देखते हैं। एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, कटरीना कैफ हैं, ईशान खट्टर है, मज़ा आ गया, कॉमेडी फिल्म है, सबको मज़ा आएगा। यार पता नहीं, जो स्टाइलिश देते मैं पहन लेता हूँ यार, मुझे काफ़ी सिंपल चीज़ें ही पसंद है, और थोड़ा बहुत मतलब ट्राई करने में क्या बुराई है, ये जवान है यंग है, थोड़ा ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ सोच के किया होगा कुछ उन्होंने, अच्छा है, आगे ही बढ़ रहे हैं लाइफ में, जिंदगी में लोग, और एक तरह से बीच में जो 2 साल बंद गए थे लोग, अब थोड़ा खुल के रहेंगे, बट ऑब्वियसली अभी भी आई थिंक खतरा टला नहीं है, सेफ रहना चाहिए, और बाकी जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो।
भी यही कह रही थी कि आई फील सो ग्रेटफुल कि हम आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई लव टू डू एंड आई फील कि द रीजन आई एम यू नो ब्रिंग आई एम एट दिस प्लेस इन माई लाइफ वेयर आई एम लिविंग माई ड्रीम डूइंग व्हाट आई वॉन्ट टू डू इज बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल हु बिलीव्ड इन मी बिलीव्ड इन माई in my talent and my hard work have appreciated me. This is such a motivating award ki mujhe ye mila hai. It just motivates me to keep going, following my passion and my dream. I think you're very lucky when and blessed when you get to, you know, to be doing what you want to do in life. And this just pushes me to keep doing my best, to keep giving that love back, to keep entertaining you. And I'm just so thankful and grateful to all of you for showing me and giving me so much love, appreciating me. Acknowledging me with these awards, with your love. I keep reading everything, so just lots of love. हाँ क्यों नहीं आप सब जुग जुग जियो इसका मैं पूरा श्रेय दूंगी अपने स्टाइलिस्ट को लक्ष्मी एंड हुमेरा एंड सलोनी जिन्होंने मुझे तैयार किया है सज धज के. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द पीपल बिहाइंड अस हु मेक अस you know, look this beautiful and come every time we step out in front of you. So big, big credit and shout out to all of them, my team, my glam team, and yeah, this is all them. अभी आप दुआ करो कि सब सारी फिल्में अच्छी चले, आप लोगों को अच्छी लगे, और हमारा जो भी जितना हमने प्यार इन फिल्मों को दिया है आप तक लाने के लिए, आप आई होप आपको उतनी ही मज़ेदार और प्यारी लगे. अच्छी बात है कि हम द गुड थिंग इज दैट इट्स शोइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस कि यू नो वी आर गोइंग बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ व्हाट वी नो ऑफ इट बट स्टिल कीप योर गार्ड अप दैट्स व्हाट आई वुड से कीप योर मास्क इन योर पॉकेट इफ यू एवर फील यू नीड टू वेयर इट प्लीज कीप इट हैंडी बट अदरवाइज बी सेफ एंड बी हैप्पी. Absolutely, this is my first award after Miss Universe. Actually, my first award with Grazia. So, मैं बहुत happy हूँ अभी. मैं मुझे मौका मिला मैं सबसे मिलूँ और इन सबसे inspiration लूँ और कुछ शब्द भी कह सकूँ उस मंच पर और सबके साथ share करने का मौका मिला. So, I'm really glad and so happy when people call me Pride of India. So, this is really close to my heart. Yes, I'm wearing Gaurav Gupta and he is one of the ace designers in India. So it was really, really amazing to wear his incredible outfit and it gave me the confidence ki jo main mehsoos karti hu aur apne aap ko represent karun. So mere liye outfit dalkar usko confident mehsoos karna bahut zaruri hai. So I'm so happy to wear this amazing outfit. Thank you.
mask free. Well, right. आंजी बिल्कुल. सो आपने अभी मेरी जर्नी शायद देखी होगी. मैं न्यूयॉर्क में थी और अभी मैं अपनी होम कमिंग के लिए आई थी और आज लास्ट डे है और मेरा लास्ट डे इस अवार्ड के साथ ख़त्म हो रहा है. सो वहाँ पर कोई मास्क नहीं डालता है एंड आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी कि जो कोविड केसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं. बट एट द सेम टाइम हमारा भी फ़र्ज बनता है, अगर हमें कहीं पर भी लगे कि हम बीमार हैं या कुछ भी, हमें अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए मास्क डालना चाहिए जब भी किसी को भी लगे, क्योंकि हम एक पैंडेमिक से निकल चुके हैं, हम फिर वो क्राइसिस से नहीं जाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. शुक्रिया सबका. धन्यवाद.